बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि वीज़े बैन होने में जितनी मुश्किलात हम खारजी लोगों को हो रही हैं, ये आप सब के इलम में है। बहुत से दोस्तों ने सवालात पूछे थे, बहुत से दोस्त मुझसे राबता करने की कोशिश कर रहे थे कि महबूब भाई अपना मोबाइल नंबर दे दें, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे ये गुजारिश करूंगा कि भाई मोबाइल नंबर कमेंट के अंदर देना मुमकिन नहीं है। मैंने अपनी हर वीडियो के नीचे अपने ट्विटर का लिंक लगा रखा है, अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक लगा रखा है। आप मुझे ट्विटर के ऊपर फॉलो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो आपकी वहाँ पर बात सुन के आपको उस मसले का जो हल है वो बता दिया जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आपके चंद सवाल आते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं चिट के ऊपर, उनके जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा महबूब टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप रहे ओमान की तदातीन सूरत हाल से आगाह। तो सबसे पहले जो सवाल है ये मोटिवेशनल ट्रेकर्स भाई हैं कोई, ये लिखते हैं आपका सवाल है कि ओमान 3 मंथ्स के लिए स्पॉन्सर चाहिए होता है कि नहीं, यानी कि आप विजिट वीजा की बात करें। अगर आप विजिट वीजा के ऊपर आना चाहते हैं और विजिट करके वापस जाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन ये 3 मंथ्स का वीजा जो है ओमान ई वीजा से हासिल कर लें, आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इधर आके जॉब तलाश करेंगे, जॉब तलाश करने के बाद अपने विजिट वीजे को वर्क वीजे में तब्दील करेंगे तो आपको स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि फिर आपको एनओसी लेटर की जरूरत पड़ेगी। जब आपको एनओसी लेटर की जरूरत होगी तो आपको स्पॉन्सर की जरूरत लाजमी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद उर्दू पोएट्री वाले भाई लिखते हैं कि भाई मैं ओमान में हूं 5 माह से, अब अगर मैं दूसरी कंट्री जाना चाहता हूं तो क्या मैं जा सकता हूं या नहीं? तो जी भाईजान, आप दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, उर्दू पोएट्री वाले भाई साहब, अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं ओमान से तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको आपका अरबाब जाने की इजाजत दे दे, आपको आपका अरबाब जो है एनओसी लेटर दे दे। जैसा कि अगर हम उमरा या हज करने जाते हैं या हम दुबई विजिट पे जाते हैं तो भी हमको एनओसी लेटर की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े जो हाई लेवल के वीजे थे उनके ऊपर नहीं थी जरूरत, लेकिन छोटे जो लेबर तबका के लोग थे उनको जरूरत थी एनओसी लेटर की। अगर आपको आपका अरबाब इजाजत दे देता है तो बेशक आप जा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये तीसरा सवाल जो है ये कोई राकेश भाई हैं इंडिया से, ये लिखते हैं कि मैं ओमान में 8 माह से हूं, अब मैं जॉब तब्दील करना चाहता हूं, क्या मुझे रिजाइन करना होगा? अगर मैं रिजाइन करूं तो क्या होगा? क्या अरबाब एनओसी लेटर नहीं देगा? वो भी चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं और वो वीजा की तमाम तर फीस भी मुझसे वसूल करना चाहता है। भैया आपको अगर 8 महीने हो गए हैं, आपका अरबाब आपसे ये कह रहा है कि आप जॉब छोड़ दो, आप रिजाइन दे दो, तो अपने अरबाब से मुकम्मल तौर पर बैठकर एक जो है बात को तय कर लें कि अगर मैं रिजाइन देता हूं तो मुझे एनओसी लेटर चाहिए, मैंने वीजा तब्दील करना है, उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सबसे पहले आपने वीजा तलाश करना है ओमान के अंदर, जो भी आपको जो स्किल्स हैं आपकी, जो काम आप करना चाहते हैं वो वाला वीजा आपने तलाश करना है, ठीक है। उसके बाद वो वीजा तलाश करने के बाद आपने रिजाइन देना है, रिजाइन देने के बाद आपने अपने अरबाब से एनओसी लेटर लेना है। अगर आपने इधर रहते हुए वीजा तब्दील करना है तो अगर आप वापस मुल्क भी जाएंगे इंडिया में भी तो भी आपको एनओसी लेटर की तो जरूरत पड़ेगी। रही बात आपने कहा है कि वो वीजा की फीस और तमाम एयर टिकट्स के जो पैसे हैं वो वसूल करना चाहता है, क्या मैं दे दूं या नहीं दूं? तो मेरे भाई जो बात आपको ऑफर लेटर के अंदर बताई गई है, ऑफर लेटर आपके पास मौजूद है, उस ऑफर लेटर को अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी पढ़े लिखे को दिखाएं, वो आपको ऑफर लेटर के अंदर तमाम तर जितनी भी शराइत रखी गई थी आपको वीजा फराहम करने से पहले उस ऑफर लेटर के अंदर मौजूद है, वो रिटर्न में मौजूद है आपके पास, उसके ऊपर कंपनी के अरबाब के सिग्नेचर और स्टैंप मौजूद है। तो आप वो तमाम ऑफर लेटर के जितने भी शराइत हैं उनको मद्देनजर रखकर अपने अरबाब से बात करें। एयर टिकट का तो खर्चा नहीं बनता देना, मगर अगर आप वीजा यहां पर रहते हुए तब्दील करेंगे तो फिर शायद आपको जो वीजा फीस है जिस वक्त आपने वीजा लिया था उस वक्त के हिसाब से देनी पड़े, मगर कोशिश करें कि आप ऑफर लेटर के हिसाब से अपने अरबाब से बैठकर तय कर लें कि ये आपने ऑफर लेटर में कहा हुआ है, क्योंकि ऑफर लेटर के अंदर 6 मंथ का जो टाइम होता है लेकिन आपको 8 मंथ हो गए हैं। अगर 6 मंथ से पहले पहले आप अपना वीजा तब्दील करते हैं या वापस मुल्क जाना चाहते हैं तो फिर आपको वीजा फीस, एयर टिकट्स वगैरह, मेडिकल का खर्चा देना पड़ता है, क्योंकि ये ऑफर लेटर के अंदर शराइत मौजूद होती हैं। लेकिन आप तो
मेरे भाई 8 माह हो चुके हैं, अपने ऑफर लेटर के मुताबिक देखें कि आपको ऑफर लेटर के अंदर क्या क्या शराइत रखी गई थी जब आपने एग्री किया था कि मैं वीजा लेकर ओमान के अंदर आना चाहता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, महबूब टीवी को सब्सक्राइब लाजमी करना है। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वीडियो के नीचे ट्विटर का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर मुझसे रब्ता कर लें, वहां पर आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट के अंदर अपना कोई भी सवाल है तो इंशाल्लाह पूछिए। वीडियो बनाने वाला हुआ जैसा कि ये 3 सवाल थे, ये मैं समझता था कि ये वीडियो बनाने के लिए मौजू हैं, इनसे तमाम दोस्तों का, बहुत से लोगों का भला हो जाएगा, बहुत से लोगों को मालूमात मिल जाएगी, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दी है। तो इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों के जो सवाल आते हैं उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। टाइम मिले ना मिले तो आप लोगों का जो साथ है लाजमी रहेगा, लेकिन आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, आप लोगों ने भी मुझे जो है सपोर्ट करना है, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल महबूब टीवी को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आने वाले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।